हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर में एक स्पेशल टॉपिक्स, और जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इसमें हम आपको कुछ बताएंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस के कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको आप याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन में रिलेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे दोनों पर कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, यानी कि चर घातांकी फलन क्या होता है। तो आप याद रखेंगे एफ एक्स बराबर ए टू दी पावर एक्स, जहाँ ए जो है एक से बड़ा है, और इस तरह के फंक्शंस को हम लोग चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। इसमें आप याद रखेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं कि इसका डोमेन जो होता है यानी कि प्रांत जिसको आप बोलते हैं, तो रियल नंबर होता है मतलब वास्तविक संख्या होता है, और इसका रेंज क्या होता है तो आर प्लस कहने का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, तो बस आप यह जान लीजिए इसमें कि एफ एक्स किसके बराबर होता है, ए टू दी पावर एक्स के रूप का जो जो फंक्शन होता है ना, उसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसमें आपको एक मेन टॉपिक जो आपको पढ़ना है वह है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब प्राकृतिक चर घातांकी फलन। तो प्राकृतिक चर घातांकी फलन जो है ना, आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके बारे में देख लीजिए, एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। डिफ्रेंशिएशन में हम आपको इसका फॉर्मूला के बारे में भी बताए थे कि एफ एक्स बराबर अगर ई टू दी पावर एक्स हो तो इसको ना हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। खास करके आपको इसी के बारे में ज़्यादा यूज करना है, जहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि ई का जो वैल्यू होता है वह दो से बड़ा होता है और तीन से छोटा होता है। आप यह भी याद रख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। तो इसका डोमेन यानी प्रांत जो होता है वह रियल नंबर होता है इसका, और रेंज जो होता है वह जीरो से इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, जीरो से बड़ा होता है और इनफाइनाइट तक। ठीक, यहां तो आप लोग समझ गए, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको यह समझना है कि एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स को हम कौन सा फंक्शंस बोलते हैं बुआ सा, तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। और ए टू दी पावर एक्स को क्या बोलते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ये जो हम ए जो लिखा हुआ था ना, ए के जगह ई बैठा देंगे तो वह नेचुरल हो जाएगा। क्या आप लोगों को मेरा बात यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग बात करके कि दोनों का, ये जो हम आपको बताया अभी कि e टू दी पावर x और एगो जो बताया a टू दी पावर x, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी चर घातांकी फलन का अवकलज क्या होता है। तो सबसे पहला बात कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ऐसे आप जान लीजिए कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग a होता है, और लॉग a के बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में बाद में बताएंगे थोड़ा देर में, पहले आप जान लीजिए कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a, जहाँ पर आप याद रखिएगा a क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है बशर्ते कि एक से बड़ा है। और उसके बाद e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को याद ही होगा पहले से भी कि e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से होता है। यह एगो ऐसा भाई जो है ना, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है सेम होता है। ठीक, अब इस पर हम एक दो वो एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। हाँ, और एक और बात बता दें, ये जो हम अभी डायरेक्ट लिख दिए हैं कि ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, इसको हम आपको प्रूफ भी करके बताएंगे जब लॉगारिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये मतलब हम प्रूफ करके भी बताएंगे। तो आप लोग टेंशन ना, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप एक नंबर की बात करें तो एक नंबर में डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो। जैसे देखिए a टू दी पावर x का आप कितना लिखते हैं, a टू दी पावर x इनटू log a लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप यही a के जगह पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, इस तरह से कोई कांस्टेंट आ जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन आपसे एक नंबर के सवाल में हर साल पूछा जाता है। तो 2 के पावर x है तो आप याद रखेंगे 2 के पावर x इनटू log 2 लगा देंगे, क्योंकि a का वैल्यू 2 है, तो बस यहां लगाइए a की जगह 2, तो 2 के पावर x log 2। अगर यही 3 टू दी पावर एक्स रहता तो आप सोच के जल्दी से बताइए क्या होगा,
कि पहले 3 के पावर x लिखते और उसके बाद क्या लिखते, log 3 लिखते। यही चीज़ 4 के पावर x रहता तो क्या लिखते, पहले 4 के पावर x इसके तरह और फिर आपको log 4 लिखना होता। अगर 10 के पावर x होता तो पहले क्या लिखते, 10 के पावर x इंटू log 10। ठीक है, और इस log के बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इसमें आप 2 फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, चेन और रूल्स। क्या चेन रूल्स के बारे में, कि a के पावर अगर फंक्शन हो, देखिए a टू दी पावर अगर फंक्शन हो तो डायरेक्ट इसका आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, a टू दी पावर फंक्शन इंटू लॉग a। फिर से समझिएगा, मान लीजिए a के जगह कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5 और उस पर एक फंक्शन रहेगा। ठीक, x ना रह के क्या रहा, जैसे x अगर रहेगा तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट लिख ही लीजिएगा, लेकिन x ना रह के साइन x रह सकता है, कॉस x रह सकता है, तो उसको हम क्या मान लिए, फंक्शन मान लिए। तो a के पावर अगर फंक्शन है तो उसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखिएगा, a के पावर फंक्शन इंटू लॉग a और गुना में किसका डिफरेंशिएशन, यहां जो आपका फंक्शन रहेगा ना उसका आपको फिर से गुना में डिफरेंशिएशन करना होगा चेन रूल्स के अनुसार। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए e टू द पावर फंक्शन रहे तो e टू द पावर फंक्शन का तो e टू द पावर फंक्शन ही लिखिएगा और इनटू में क्या लिखेगा, तो d बटा dx ऑफ फंक्शन। जैसे यहां पर आप देख लीजिए e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x सेम ही होता है, तो उसी तरह से e के पावर फंक्शन का तो पहले हम e के पावर फंक्शन लिख देंगे और बस गुना में आपको किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इस फंक्शन का। इसको हम चेन रूल में आपको पहले भी बता दिए थे। अब हम चलिए इस पर कुछ उदाहरण के माध्यम से ये दोनों के बात को अच्छा से हम लोग समझते हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर एग्जांपल। जैसे देख लीजिए 2 के पावर अगर साइन एक्स हो, वो वैसे ध्यान दीजिएगा 2 के पावर क्या हो, कि 2 के पावर अगर साइन एक्स हो तो क्या, मान लीजिए ये फंक्शन आ गया, जैसे टू किसके जगह है, ए के जगह, तो ए का मान 2 है और फंक्शन के जगह साइन एक्स आ गया। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए ए के पावर फंक्शन रहेगा तो आप क्या लिखेगा, पहले तो आप ए के पावर फंक्शन जस के तस लिख दीजिएगा, उसमें लॉग ए आपको लगाना होगा और फिर किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इस वाले फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पर जो भी फंक्शन रहेगा उसका, तो उसी के अनुसार बताइए कि 2 के पावर साइन एक्स है तो पहले तो 2 के पावर साइन एक्स लिख देंगे और लॉग ए, ए के जगह 2 है इसीलिए लॉग 2 लगाएंगे और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फंक्शन का। तो फंक्शन आप गौर से देख लीजिए क्या है, साइन एक्स है तो गुना में साइन एक्स। अब आप बताइए, तो बेचारा हो गया ये दोनों, तो जस के तस रहेगा। अब बस आपको साइन का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो आप बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। आप चाहते इसको गुना करके इतना भी छोड़ सकते हैं, ये आप लोग का आंसर हो गया। इसमें अगर हो सकता है आप लोगों को कुछ डाउट हो तो हम एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए के पावर टेन एक्स रहे, ठीक है, ए के पावर टेन एक्स रहे, तो इस पर फंक्शन कौन है, टेन एक्स है। तो अब आप बताइए ए के पावर फंक्शन है तो पहले तो ए के पावर फंक्शन का जस के तस लिखते हैं और लॉग ए आपको लगाना पड़ेगा और फिर गुना में किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये वाले फंक्शन का। ठीक है, एक बार फॉर्मूला को आप फिर से देख लीजिए ताकि आप लोग और अच्छा से समझ में आ जाए। ए के पावर फंक्शन तो बेचारा जस के तस, गुना में लॉग ए लिखना ही है और फिर आप गुना में किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इस वाले फंक्शन का। ठीक है, तो इसीलिए हम tan x का डिफरेंशिएशन गुना में इस वाले फंक्शन का। tan x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए sec स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से अगर आपको रहे 2 के पावर sin x, 2 के पावर cos x, तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वह है e टू द पावर फंक्शन। e टू द पावर अगर फंक्शन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला जानिए कि e के पावर फंक्शन है और गुना में किसका डिफरेंशिएशन, सिर्फ और सिर्फ ये वाले फंक्शन का। ठीक, अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर रहता है e के पावर y, देखिए एफ एक्स के जगह क्या आया, y आया, तो e के पावर y का तो पहले आप वही चीज़ लिख दीजिए सेम का सेम और बस आप गुना में कर दीजिएगा किसका डिफरेंशिएशन, तो इस वाले y का, तो dy वाई बाई डी एक्स। इस बात को और अच्छा से हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग के सामने उदाहरण दिख रहा है कि e के पावर x बउआ से रहता है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, याद है ना सबको कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x से होता है। लेकिन अगर यही चीज़ गौर से देखिएगा e के पावर साइन एक्स रहता, आप लोगों को अब कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगा कि अगर e के पावर साइन एक्स रहता तो ये वाला फंक्शन हो गया ना बउआ सा, ये वाला क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो e के पावर फंक्शन का पहले तो e के पावर फंक्शन ही लिखते हैं, लिख दिए और गुना में आपको किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन के मान क्या है, साइन एक्स है। अब आप बताइए e के पावर ये बेचारा साइन एक्स तो रहेगा, गुना में बताइए तो कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स लिख देंगे और यही आपका आंसर हो गया। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आया, अगर आप इस मेरे बात को समझ गए हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि e के पावर कॉस एक्स अगर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए हम आपको देते हैं बस 15 सेकेंड, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए तो जल्दी से। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो। देखिए हम आपको बता दें कि e के पावर फंक्शन का तो पहले आप उसी तरह से लिखिएगा, पहले e के पावर cos x,
और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, इस वाले कॉस का, तो लिख लीजिए गुना में कॉस एक्स। अब आप बताइए, तो बेचारा हो गया। अब बताइए तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपको याद है क्या? कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस में साइन एक्स होता है। तो आप बस माइनस को पहले लिख सकते हैं, साइन को पहले, और ये वाला छोड़ दीजिएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम सजाकर बाद में लिखने का प्रयास करवाएंगे आप लोगों को। पहले तो आप यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि ई के पावर अगर टैन एक्स होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता। इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकेंड का समय। ई के पावर टैन एक्स होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, जल्दी से बताइए। चलिए अब हम आपको बताते हैं e के पावर tan x का क्या होगा। पहले तो आप e के पावर सेम लिख दीजिएगा, tan x जो है, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो tan x का, तो d बटा dx tan x, ठीक है। अब आप बताइए इसको क्या लिखेंगे, e के पावर tan x तो ये बेचारा रहेगा। याद कीजिए tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बुआ सा, तो sec स्क्वायर x होता है। यही आपका आंसर हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए। अगर e के पावर x स्क्वायर होता तो ये वाला इस बार फंक्शन है, e के पावर x स्क्वायर है तो ये वाला फंक्शन है ना, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए तो जल्दी से कि e के पावर x स्क्वायर का क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि e के पावर x स्क्वायर जस के तस रहेगा, और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का गुना में। अब आप बताइए e वाला बेचारा मतलब जस के तस, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सबको याद है क्या? तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। इसका आंसर आप सजा कर ऐसे लिख सकते हैं, 2x को पहले, e के पावर x स्क्वायर बाद में, इस तरह से, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कमेंट करिए कि e के पावर x क्यू अगर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसी तरह से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, e के पावर x क्यू लिखेंगे, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यू का। अब आप बता दीजिए e के पावर x क्यू बेचारा जस के तस, और x क्यू का डिफरेंशिएशन पावर को बाहर, पावर में से एक घटेगा। तो याद है ना, पावर को बाहर, पावर में से घटा, तीन में से घटा था दो। अब आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं 3x स्क्वायर को, इसको बाद में लिख सकते हैं। ये आप लोगों का आंसर रहा। अगला सवाल देखिएगा, e टू दी पावर x के पावर 5 है, तो सबसे पहले तो आप सेम का सेम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेम का सेम लिखेंगे, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर 5 का। तो ये तो बेचारा हो गया, बेचारा मतलब जस के तस, और x के पावर 5 का बताइए तो क्या लिखते हैं, 5x के पावर 4, यानी आपका आंसर आ 5x के पावर 4 ex टू दी पावर 5, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने कि e टू दी पावर अगर माइनस एक्स है तो इसको, इसका ये जो क्वेश्चन है ना, हम कम्युनिटी पोस्ट में अक्सर पूछे थे आप लोगों से, तो बहुत स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा आंसर सही है। तो हम आपको बता दें कि e के पावर माइनस एक्स का, पहले तो आप इसको फंक्शन मान लीजिएगा, ठीक है। एक्स के अलावा अगर कोई भी चीज़ अगर आपको दिखता है तो उसको आप फंक्शन मान लीजिए, और e के पावर फंक्शन का तो जस के तस लिख देंगे, और गुना में आपको फिर से इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी माइनस एक्स का। तो बताइए e के पावर माइनस एक्स तो रहेगा, और माइनस एक्स का क्या होता है, तो माइनस वन होता है। इसका आंसर आना चाहिए था माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये आप लोगों का सही आंसर था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने सही आंसर भी कमेंट किया था, और कुछ लोग मिस्टेक कर गए थे, लेकिन अब जो है आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगला जो सवाल है आप लोगों का, e टू दी पावर 2x है, तो e टू दी पावर 2x है ना, तो इसको आप फंक्शन मान लीजिए। तो e के पावर फंक्शन का क्या होता है बउआ सर, तो पहले तो e के पावर फंक्शन है लिखेंगे, और फिर गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस 2x का। तो बताइए e के पावर 2x तो रहेगा, और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 2 इन 2 को बाहर, x का हुआ, याद है ना, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 2 इंटू 2 के e के पावर 2x, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर e टू दी पावर फंक्शन, ये वाला, कि अगर e टू दी पावर फंक्शन अगर आपको मिलता है तो आप आसानी से इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए लॉगारिथमिक फंक्शंस के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करें। अगर देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, उसमें कौन सा फॉर्मूला होता है, और e टू दी पावर अगर फंक्शन रहे तो कैसे उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और अब हम लोगों का मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है ये कि लॉगारिथमिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन क्या होता है, और इसका कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, और इसका डिफरेंस कैसे करते हैं, और आंसर मिलाने के लिए आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है। तो चलिए इस बात को देखते हैं एक एक कर अच्छा से। मान लीजिए कि अगर a टू दी पावर b के वैल्यू जो है वह किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर से देखिएगा, a टू दी पावर b का वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसको लॉगारिथमिक में हम ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ एक्स, ये वाला, इसका लॉग लिखेंगे, तो लॉग ऑफ एक्स, आप बेस में जो रहता है ना उसी को बेस में लगाएंगे, और किसके बराबर लिखेंगे, तो जो माथा पर पावर रहे उसका,
और जहाँ पर आप याद रखेंगे ए का जो वैल्यू है वह एक से बड़ा होगा, ठीक है। एक बात फिर से इस बात को हम आपको बताते हैं, ए टू दी पावर बी अगर मान लीजिए एक्स के बराबर है तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में हम कैसे लिखते हैं, तो पहले आप लॉग लिखिएगा और जो बराबर के बाद है ना उसमें आप लगाइए, तो लॉग ऑफ एक्स और जो भी आपका बेस है वो बेस में लिख दीजिएगा नीचा, और बराबर के बाद क्या लिखिएगा जो माथा पर रहेगा वो। अब इस बात को दो तीन को उदाहरण के माध्यम से हम आपको लिखने का प्रयास करवाते हैं। जैसे देखिए इसको लिखने का प्रयास कीजिए, 2 के पावर 3 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि 8 होता है, याद है ना, 2 के 3 बार लिखेगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 2 के 3 बार लिखेगा तो 8 आएगा। अगर हम इसको लॉग के रूप में लिखें तो कैसे लिखें, तो देखिए सबसे पहले तो आप लॉग लिखिए और बराबर के बाद है वो लिखिए और बेस में यहाँ जो रहेगा ना वही लिखिएगा, तो बेस में 2 और किसके बराबर आ जाएगा, तो ये जो माथा पर है ना उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, 5 के पावर 2 बराबर आप जानते हैं ना कि 25 होता है बउआ सा, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अगर आप इसको लॉग के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ पहले तो 25 लिखेगा ये वाला, और बेस में जो है ना वो बेस में नीचे लिख दीजिएगा, और बराबर किसके देंगे तो वो जो माथा पर है सो यानी 2। बात समझ में आ रहा है। एक और देखिएगा, 10 के पावर 1 का वैल्यू तो 10 से होता है, मतलब 10 को अगर आप एक बार लिखिएगा तो 10 आएगा ना, इसको अगर लॉग में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, लॉग ऑफ ये वाला बराबर के बाद वाला यानी 10, और बेस में जो है वही लिखिएगा और किसके बराबर आएगा तो माथा पर वाला यानी 1 के बराबर है। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आया। आप लोग बेसिक क्लास में कभी कभी सुने होंगे कि लॉग 10 और बेस में अगर 10 रहता तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इसी बात से लिखा जाता है। एक और बात समझिएगा, 10 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है ना, कि किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है। अगर हम इस बात को लॉग के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ ये वाला बराबर के बाद वाला तो 1, और बेस में क्या लगाएंगे 10, और किसके बराबर आएगा तो माथा पर वाला के यानी कि 0 के बराबर। तो आपको यह भी याद होगा कि लॉग 1 का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है तो 0 होता है। क्या आप लोग को याद है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो आप लोग को याद होना चाहिए कि log 1 का वैल्यू 0 होता है और log 10 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन आपको बता दें कि आप लोगों को बेस में जो 10 है ना वैसा लॉगरिथमिक नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है नेचुरल लॉगरिथमिक। तो चलिए एक बात को हम इस बार समझते हैं, और सबसे पहले आपको बता दें कि इसको पढ़ते क्या है, कैसे पढ़ते हैं, तो आप ऐसे पढ़िएगा, देखिए इसको पढ़ते क्या है, तो पढ़िएगा log ऑफ x, याद रखिएगा इसको कैसे पढ़ते हैं, log ऑफ x टू द बेस ए इज इक्वल टू बी। इसी बात को हम यहाँ पर लिख के आपको बताए हैं, गौर से देख लीजिए, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, लॉग ऑफ पहले एक्स पढ़िएगा और बेस में जो है टू द बेस ए इज इक्वल टू बी। उसी तरह से इसको अगर आप पढ़ने की बात करें तो क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना पावर में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन में इस तरह से बदलते हैं कि लॉगरिथमिक में 2 टाइप के लॉग होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने टॉपिक, कि पहला जो आप लोगों को समझना है कि कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद आप लोगों को समझना है कि नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है। ये दोनों जो है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वह है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, और हमें जो क्लास 12th में जो लॉग पढ़ना है वह नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स बराबर अगर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, अगर बेस यानी कि आधार उसका 10 है तो उसको हम कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं, और अगर बेस में ई है, बेस में क्या है, अगर ई है मतलब बेस यानी आधार अगर उसका ई है तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं। एक बार फिर से इस बात को हम बताते हैं कि कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस किसको बोलेंगे भाई, तो जिसमें बेस में अगर 10 हो ना तो उसको कॉमन बोलते हैं, और अगर बेस में ई आ जाए तो उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं। एक बात आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि नेचुरल लॉग को, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को 3 तरह से लिखते हैं। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को कई तरह से लिखते हैं, 3 तरह से लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है और कोई एक तरीका याद रख लेता है तो उसको डाउट हो जाता है, इसीलिए हम आपको बताते हैं ये तीनों तरीका को आप लोग को याद रखना है। ऐसे लिखते हैं, पहला तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, क्या लिखते हैं बेस में ई, क्योंकि आपको यही लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है, कौन सा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन यानी प्राकृतिक लघुगणक फलन। दूसरा जो तरीका, आप डायरेक्ट लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, याद रखिए अगर कोई ई लिखे हुए तो, या अगर वो ई नहीं लिखे हुए फिर भी बात एक ही है, क्योंकि इसके बेस में छुपा हुआ है कौन सा,
ई, क्योंकि हम लोग को पढ़ना ही नेचुरल है, इसका मतलब बेस में ई है। आप लिखिए अथवा नहीं लिखिए, आपको समझना होगा कि बेस में क्या है तो ई है, और ई के अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ है तो वह लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है। और अगर इसको एक और से लिखते हैं एल एन एक्स, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि लॉग एक्स को हम लोग तीन तरह से लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस में चाहे तो आप ई लिख भी सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट में एल एन एक्स भी लिखते हैं। ये तीनों किस चीज़ को डिनोट करता है, तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को डिनोट करता है, और हमें यही टॉपिक पढ़ना भी है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से कि log x का डिफरेंशिएशन 1 by x लिखे हैं, तो आपको याद रखना है कि इसके बेस में छुपा हुआ है e, ठीक है। हम लिखे अथवा न लिखे, आपको समझना है कि बेस में क्या है तो e है। तो हम अक्सर बोल देते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, अगर बेस में कुछ न लिखा है तो समझिएगा आप लोग कि बेस में क्या है तो e है। क्या आप मेरा बात समझ गए ना? बिल्कुल, उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। तो आपको बस याद रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 by x होता है। लेकिन अगर ई x के जगह कुछ और मिल जाए, जैसे फंक्शन मिल जाए, तो log फंक्शन का क्या होता है, 1 by फंक्शन और गुना में d बटा dx ऑफ फंक्शन। फिर से समझिएगा, log अगर फंक्शन हो तो उसको क्या लिखेंगे, 1 by फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी में हम आपको लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए कि लॉग फंक्शन का क्या होता है, इस पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे थोड़ा देर के बाद। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है और भूल जाता है, तो उसे ऑप्शन मिलाने में दिक्कत महसूस करता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन के कुछ गुणधर्म होते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। देखिए पहला जो प्रॉपर्टीज होता है log m into n, याद रखिएगा बेस में अगर हम कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब आपको समझना है कि बेस में e है, ठीक है, बेस में क्या है, e है, लिखिए चाहे न लिखिए, आपको समझना e है। जैसे log m into n अगर रहे तो उसके चलते हम क्या लिखेंगे, log m plus log n, ठीक है। अगर गुना में है तो उसको हम दो पार्ट में बांट देंगे, log m plus log n। अगर वही चीज भाग में है तो log m by n अगर रहे तो हम क्या लिखते हैं, log m minus log n, मतलब भाग में है तो उसको गुना में क्या बदल देते हैं, घटाओ में, ठीक है। log m के पावर n रहे, मतलब माथा पर रहे, तो माथा पर वाला पावर गोर धर लेगा, मतलब बाहर हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रखें कि log m के पावर n क्या होगा, तो n log m होगा। इसमें नेक्स्ट जो आप लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, यही वाला आपका बहुत जगह काम करता है कि log e का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। फिर से, log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब ये कैसे, लोगों को इच्छा हो कि हाँ सर ये कैसे होता है, सबका प्रॉपर्टीज आप प्रूफ करके बताइए, तो हम एक वीडियो बनाकर स्पेशल इसी का प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि log e का वैल्यू 1, log 1 का मान 0, ठीक है। और इसमें जो एक आप लोगों को समझना है इम्पॉर्टेंट, वह है ये वाला, ठीक है। इसको भी अक्सर स्टूडेंट भूल जाता है, e के पावर log फंक्शन, e के पावर क्या बोले, e के पावर अगर log फंक्शन हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं फंक्शन। ये वाला हम डिफरेंशिएशन का सवाल भी आप लोगों से पूछे थे, और इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए हो गए थे क्योंकि उसको उनको पता ही नहीं था कि किसका फॉर्मूला होता है। तो आपको याद होना चाहिए e के पावर log रहे और फंक्शन रहे तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखेगा, फंक्शन लिखेगा। उसी तरह से एक और चीज़ होता है, ये वाला में भी अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है, log ऑफ x, आप बेस में e के जगह a आ जाए, बेस में ध्यान दीजिएगा ई के जगह क्या आ जाए, ए आ जाए, ए कहने का मतलब 2, 4, 5, 6 इस तरह से कोई भी ई के अलावा कोई दूसरा आ जाए, तो उसके लिए पहले आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, मतलब पहले आपको लिखना होगा log ऑफ एक्स, आप बेस में ई लिखिए चाहे ना लिखिए, और बटा में आपको लिखना होगा log ए। एक बार फिर से इस बात को समझिए, पहले ऊपर वाला लिख दीजिएगा तो log ऑफ एक्स और बटा में log ऑफ ए। अब इस बात को हम ऐसे आपको बता दें कि log ऑफ मान लीजिए b रहता और बेस में a रहता, तो इसको कैसे लिखते, जल्दी से बताइए। तो थोड़ा सा इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, इसके अनुसार हम कैसे लिखते, थोड़ा सा सोचिए। तो log ऑफ b रहता और बेस में a रहता, तो इसको इस फॉर्मूला से कैसे लिखते, जल्दी बताइए।
तो देखिए हम आपको बता देते, पहले आप ऊपर वाला लिख देते, बस इस तरह से दो फॉर्मूला लगा देते लॉग बी, और बटा में आप क्या लिख दीजिएगा लॉग ए, और जो इसमें फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर लीजिएगा। इस पर भी हम आपको उदाहरण बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसका कैगो प्रॉपर्टीज होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि आपको 7 गो प्रॉपर्टीज अच्छा से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इंटू में रहे तो जोड़ में, भागा में रहे तो घटाओ में, पावर में रहे तो गुना में आ जाएगा। लॉग ई का मान 1, लॉग 1 का मान 0, ई टू दी पावर लॉग फंक्शन तो ओनली फंक्शन, और लॉग एक्स रहे और बेस में अगर ई के जगह दूसरा चीज आ जाए तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, लॉग ऑफ एक्स और बटा में लॉग ऑफ ए, ठीक है। अब हम इस बात को समझते हैं कि ये तो हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए और कैसे इसको याद रखें, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को याद आसानी से रह सकता है। तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को और अच्छा से हम लोग समझते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं जो अक्सर आप लोगों से हम पूछते रहते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, और अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे पहला सवाल, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये तो हम लोगों ने अभी देखा ही कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, ये तो आप लोगों को फॉर्मूला ही याद रखना है। लेकिन अगर e के पावर लॉग साइन एक्स हो, e के पावर लॉग साइन एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसके सवाल में हम ये सवाल पूछे थे, बहुत सारा स्टूडेंट भी कंफ्यूज कर गए थे इसमें। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट को ये वाला अभी जो फॉर्मूला प्रॉपर्टीज बताया गया कि e के पावर लॉग फंक्शन का सिर्फ क्या होता है, तो फंक्शन होता है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर e है, लॉग है और फंक्शन है, तो फंक्शन के जगह तो साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, d/dx को छोड़ देंगे और e के पावर लॉग फंक्शन के चलते ये वाला जो आपका फंक्शन है इसके चलते सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, फंक्शन। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, e के पावर लॉग फंक्शन को सिर्फ क्या लिखते हैं, फंक्शन। तो e के पावर लॉग फंक्शन ये वाला फंक्शन है ना, तो सिर्फ हम फंक्शन लिख देंगे, और अभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना बचले हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत स्टूडेंट लोगों ने ये वाला ऑप्शन दिया था, लॉग साइन एक्स, और कुछ लोग हो सकता है कि जिसको याद भी हो तो साइन एक्स भी बता दिए होंगे, और कुछ लोग तो यहाँ तक डी भी ऑप्शन बताए थे। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि e के पावर लॉग फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव सवाल। इस सवाल में भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, जो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि log x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए तो, कि log x या 1/x या log ex या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकंड का समय, बस आपको बताना है कि log x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए। 15 सेकंड हम साइलेंट हो जाते हैं। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं, और जो लोग बना लिए आंसर कमेंट कर सकते हैं। लॉग एक्स के पावर एक्स है ना, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगा, ये वाला देखिए, लॉग एम के पावर जो एन रहता है वो कहाँ आ जाता है, तो बाहर आ जाता है ना, ये जो माथा पर था वो कहाँ चलाया, गोर धलिया। अब देखिए ये जो माथा पर जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो एक्स बाहर आ जाएगा, लेकिन आप याद रखिए d/dx तो अभी जिंदा रहेगा, और ये जो बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग एक्स, ये वाला, फिर से समझिए, ये जो माथा पर है ना तो वो बाहर आ जाएगा और ये वाला log x बच जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इसको u और इसको v मानकर डिफरेंशिएशन करना है। तो u इनटू v का आप लोगों को याद होना चाहिए, तो हम आपको याद दिला दें, u इनटू v का पहला को करते हैं बाहर और दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को करते हैं बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। ये बाहर है तो बेचारा बाहर रहेगा, log x का अभी हम आपको बताए हैं 1/x होता है, और ये log x जस के तस, x का क्या होता है, बुआ सा 1 होता है, x x काट देंगे तो इसका आंसर जो आएगा 1+log x में x से गुना करेंगे तो log x। बहुत सारा स्टूडेंट इतना आंसर लाने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि सर 1+log x मेरा आंसर आया, इसमें कोई ऑप्शन है ये नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारा 1 को छोड़कर ये वाला ऑप्शन मार देते हैं, जो कि गलत है। हम आपको बताते हैं कि अभी 1 को गौर से देखिए, 1 के चलते कोई फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे कि log e का मान क्या होता है, बुआ सर 1 होता है ना, तो क्या हम इस 1 के चलते log e लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इस 1 के चलते लिख सकते हैं क्या log e,
प्लस ये वाला लॉग एक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब आप एक फॉर्मूला यूज कीजिए, लॉग एम प्लस लॉग एन। अभी हम आपको बताए थे, गौर से देखिए, लॉग एम प्लस लॉग एन ये फॉर्मूला किसका है, तो लॉग एम इंटू एन का। तो क्या अगर मान लीजिए कि आपसे पूछे कि लॉग एम इंटू एन बताइए, तो आप इतना बोलते हैं ना कि लॉग एम प्लस लॉग एन। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि लॉग एम प्लस लॉग एन किसका फॉर्मूला है, तो लॉग एम इंटू एन का। तो इसको आप गौर से देखिए तो कि लॉग एम प्लस लॉग एन है तो ये किसका फॉर्मूला है, तो इन टू का, तो ई इन टू एक्स यानी लॉग ई एक्स। यानी अब आप ऑप्शन मिलाकर देखिए तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपका सही जो आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत सारा जो स्टूडेंट होता कहता कि इसमें ऑप्शन नहीं मिला था इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार के चला आता जो कि गलत हो जाता। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है सही आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो कुछ और उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा जटिल टाइप का प्रश्न भी देखते हैं। आप लोग आंसर कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा जैसे लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स है, तो अभी हम आपको प्रॉपर्टीज बताए थे कि जो माथा पड़ रहे बउआ सा वो कहाँ आ जाता है, बाहर गोर धर लेता है, तो ये वाला साइन एक्स बाहर आ जाएगा और लॉग एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए फिर से एक बात देखिएगा, जो माथा पर पावर में रहे ना वो कहाँ आ जाता है, तो बाहर आ जाता है और ये लॉग एक्स आ जाएगा। अब आप बताइए यू इन टू भी है तो आप लोगों को याद हो गया होगा, यू इन टू भी का डिफ्रेंशिएशन तो याद है ना। तो देखिए यू इन टू भी का तो याद, पहला को करते हैं बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को करते हैं बाहर और इनटू पहला का डिफ्रेंशिएशन। ये तो बड़ा सस्ता जो फॉर्मूला है आप लोगों को, पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो बेचारा है साइन एक्स, याद कीजिए तो लॉग एक्स का। अभी हम आपको जस्ट बताते हैं कि लॉग एक्स का क्या होता है, बुआ सा वन बाई एक्स होता है। ये बेचारा लॉग एक्स बाहर है तो बाहर ही रहेगा। और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। तो अब आप बता दीजिए साइन एक्स में एक से गुना कीजिएगा तो साइन एक्स और बटा में एक्स, और इसको आप क्या कीजिएगा, कॉस को पहले लिख दीजिए लॉग को बाद में। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, उसे कोई दिक्कत नहीं है और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है ना आप लोगों को 5.5 में बहुत सारा इस फॉर्मूला का यूज करके आपको बनाना है, लेकिन 5.4 में आपको बस लॉग फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जैसे हम आपको यहां आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने, जैसे e के पावर फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन हम आपको करके बता ही दिए जस्ट थोड़ा देर पहले कि e के पावर फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन का। लेकिन इस पर तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक है ये वाला कि लॉग एफ एक्स अगर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपको याद दिला दे, लॉग फंक्शन रहे तो सबसे पहले आप वन बाई फंक्शन लिखेंगे और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस वाले फंक्शन का। इस पर हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं और अक्सर स्टूडेंट जो है इस समय कंफ्यूज कर जाता है। ये रहा आप लोगों के सामने सवाल, देखिएगा ध्यान से कि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। तो हम एक वो इस पर बनाते हैं और आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए लॉग फंक्शन, इसको पहले तो आप फंक्शन पढ़ लीजिए, देख पा रहे हो ना कि इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। तो ये फंक्शन के जगह आप देख पा रहे होंगे साइन है, तो पहले तो आप लिखेंगे वन बाई फंक्शन मतलब वन बाई साइन, तो लिखिए वन बाई साइन। गुना में किसका डिफरेंशिएशन करिएगा, तो फंक्शन का, तो फंक्शन तो आपका साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से बात मेरा समझिए, लॉग इसको फंक्शन पर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई फंक्शन, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन, तो इस फंक्शन का। इसका आंसर आएगा वन बाई, ये तो साइन एक्स रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि कॉस एक्स होता है। एक फार्मूला आप याद कीजिए दसवां क्लास का कि कॉस में एक्स है कॉस बटा साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है बुआ सा, कॉस बाई साइन होता है कॉट एक्स, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट एक्स होता है। क्या आप लोग को याद आया, तो अगर आप ये मेरा बात समझ गए तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कि लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकेंड का समय। बस आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा लॉग कॉस एक्स का। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं इसी तरह से लॉग फंक्शन, इसको पढ़ेंगे पहले, तो लॉग फंक्शन का क्या लिखेंगे, वन बाई फंक्शन, फिर गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बउआ सा, ये वाला फंक्शन का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन। अब आप बताइए वन बाई कॉस, तो ये बेचारा रह जाएगा, ये बेचारा हो गया ना, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस में साइन एक्स होता है। अब आप बता दीजिए ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस रहेगा ना, और साइन के बटा में कॉस रहे तो साइन बाई कॉस क्या होता है, तो टेन एक्स होता है। यानी कि आपका आंसर आना चाहिए माइनस
टेन एक्स। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने सही आंसर भी कमेंट किया होगा। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का आंसर दीजिए लॉग इन टू लॉग एक्स, यानी लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। इसके लिए भी आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय कि लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। और ये जो सवाल है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए तो इसका आंसर आपको बताना है लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। इसके लिए आपको मिलता है अभी से 10 सेकंड का समय। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये लॉग पढ़ेंगे और लॉग के बाद जो है ना इसको फंक्शन पढ़ लीजिएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन का तो आपको याद हो गया, वन बाई पहले फंक्शन लिखेंगे तो वन बाई फंक्शन, और फंक्शन के मान क्या है लॉग एक्स है ना ये वाला, तो लॉग एक्स। और गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है तो फंक्शन का ही, तो फंक्शन तो इसमें लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन। एक बार फिर से लॉग पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे फंक्शन, तो वन बाई पहले फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो ये वाला बेचारा वन बाई लॉग एक्स तो बाहर हो गया, और लॉग एक्स का अभी आप याद कीजिए वन बाई एक्स होता है। इसको आप चाहे तो गुना करके लिख सकते हैं, क्या एक्स में लॉग एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स लॉग एक्स, यही आपका आंसर आना भी चाहिए था और आप लोगों का आया भी होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो एक और नेक्स्ट उदाहरण आप लोगों के सामने है लॉग इन लॉग साइन इन टू ई टू द पावर एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। इसके लिए भी आपको मिलता है अभी से 15 सेकंड का समय, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। चलिए तो कुछ लोग आंसर कमेंट कर भी लिए होंगे और कुछ लोग बना रहे होंगे भी। ठीक है, तो हम आपको बता दें लॉग के बाद जो भी बुआ सा लिखा है उसको आप फंक्शन पढ़िएगा। तो ये वाला पूरा पार्ट फंक्शन हो गया, तो लॉग फंक्शन का पहले लिखेंगे वन बाई फंक्शन, तो फंक्शन तो ये हो गया। और गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फंक्शन का, यानी इस पूरे पार्ट का, तो लिखिएगा साइन ई टू दी पावर एक्स। सही है, अब आप बताइए पहले ई के पास ये तो बेचारा साइन ई टू दी पावर एक्स रहेगा, लेकिन याद कीजिए हमने आपको चेन रूल में यह भी बताया था कि यहाँ एक्स है और साइन के एंगल में ई के पावर एक्स है, तो इसको आपको साइन फंक्शन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, साइन फंक्शन पढ़ना होगा। साइन फंक्शन का आपको याद होना चाहिए, पहले तो कॉस फंक्शन होता है और फिर से गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो इस वाले फंक्शन का, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था वन बाई साइन ई के पावर एक्स इंटू कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स से होता है, अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है। बता दीजिए कितना लिख सकते हैं, तो पहले तो ई के पावर एक्स ई वाला लिख लीजिए और कॉस बाई साइन देख लीजिए, एंगल एंगल सेम है तो कॉस बाई साइन आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉट ई के पावर एक्स, और ये रहा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार हम फिर से आपको बता दें लॉग फंक्शन का वन बाई फंक्शन, फिर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर साइन फंक्शन था तो पहले कॉस फंक्शन और फिर ई के पावर एक्स का था, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है और ई वाला ई के पावर एक्स रहेगा। एक और सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। इस ये ई के पावर एक्स है, ठीक है, ई क्या है ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स है, और याद रखिए इस तरह से प्लस है, यानी कि इस तरह से ध्यान दीजिएगा ई के पावर एक्स अलग है और प्लस के बाद कॉस एक्स है। तो इसका आंसर भी हम आपको बताते हैं, पहले लॉग फंक्शन पढ़ेंगे तो पहले क्या लिखेंगे बुआ सा वन बाई फंक्शन, फंक्शन तो यही वाला पार्ट होगा ना ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इस वाले पूरे फंक्शन का, तो फंक्शन आपका ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स है, जस के तस रहेगा। अब आप बता दीजिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो पहले तो ई वाला बेचारा ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स बेचारा रहेगा ना, और गुना में बताइए ई के पावर एक्स का ई दोनों में डिफ्रेंसिएशन जाएगा, तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है और कॉस का क्या होता है तो कॉस का तो माइनस साइन एक्स होता है, यानी माइनस साइन एक्स, और यही आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको आप एक लाइन बढ़ाकर लिख सकते हैं ई के पावर एक्स माइनस साइन एक्स और बट्टा में ई के पावर एक्स और प्लस में कॉस एक्स, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात मेरा समझ में आ गया होगा। कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण का आंसर आप लोग कमेंट करिए कि लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकंड का समय।
अगर आप लोगों ने अभी दो चार को प्रश्न हम बताए हैं, अगर उसका आंसर आप लोग समझ गए हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 10 सेकेंड का मौका। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं लॉग इस वाले भाईजू को फंक्शन पढ़ेंगे, और लॉग फंक्शन का तो आपको याद हो गया, वन बाई पहले फंक्शन, फंक्शन मतलब ये वाला, तो वन बाई फंक्शन, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन, तो फंक्शन का, तो फंक्शन तो आपका सेक एक्स है, ठीक है। तो ये बताइए कि बेचारा रह जाएगा जस के तस, और सेक का याद कीजिए तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बउआ सा, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू में टैन एक्स, तो सेक से सेक तो बर्बाद हो जाएगा, है ना, सेक से सेक बर्बाद हो जाएगा, जो बचेगा वो आबाद हो जाएगा, तो वन में टैन एक्स बच गया, यानी वन टैन एक्स गुना करेंगे तो टैन एक्स ही आपका आंसर आना चाहिए था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आप लोग बना भी लिए होंगे। अगर आप लोग बना लिए हैं तो चलिए इस सवाल का आंसर कमेंट करिए जल्दी से कि कॉस इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स का क्या होगा। ये आप लोग का एनसीईआरटी 5.4 में ये सवाल भी आप लोग को मिल सकता है। तो देखिए इसको बनाते हैं, पहले कॉस है, कॉस के बाद कुछ लिखल है, बउआ से इसको फंक्शन पढ़ेंगे, तो कॉस फंक्शन का पहले क्या होता है, तो याद कीजिए आप कि माइनस में साइन फंक्शन होता है। कॉस फंक्शन का क्या होता है, माइनस में साइन फंक्शन लिखेंगे, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस वाले पूरे पार्ट फंक्शन का, तो फंक्शन आपका है लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, तो ये तो बेचारा रह जाएगा माइनस में साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और बताइए log x का क्या होता है, तो 1 बाई एक्स, और e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, और यही आपका आंसर है। इसी को चाहे तो आप इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ये मेरा बात समझ गए हैं तो हम आप लोगों से एक और सवाल पूछते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज करता है, log tan x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, और इसका आंसर जो है बहुत ही छोटा सा आता है, उसके लिए हम आपको इसमें आपको 20 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए बनाइए, लॉग फंक्शन पर ही बनेगा, बस आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अभी से हम आपको देते हैं 20 सेकेंड का समय। चलिए तो अब हम आपको बता दें, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि लॉग फंक्शन ही पढ़ना होगा, तो लॉग फंक्शन का आप याद कीजिए पहले क्या लिखेगा, वन बाई फंक्शन, तो फंक्शन तो आपका ये वाला है टेन एक्स बाई टू, ये वाला है ना फंक्शन, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो फंक्शन का यानी टेन एक्स बाई टू का। याद कीजिए कि वन बाई ई बेचारा टेन को तो आप छोड़ दीजिए, वन बाई टेन एक्स बाई टू गुना, यहाँ पर आप गौर से देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ क्या है एक्स बाई टू है, तो इसको टेन एक्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि टेन फंक्शन पढ़ेंगे, और टेन फंक्शन का क्या होता है सेक स्क्वायर फंक्शन, और गुना में फिर से आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस वाले फंक्शन का यानी एक्स बाई टू का। क्या आप लोग मेरा बात समझे, तो इधर देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, वन बाई टेन का आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉट, तो आप लिख दीजिए कॉट एक्स बाई टू गुना, और ये सेक स्क्वायर एक्स अभी छोड़ दीजिए एक्स बाई टू, और बताइए एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या, तो आपको बता दें वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और बचेगा एक्स, और एक्स का तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि क्या होता है वन होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है इतना, लेकिन इतना आंसर आप बोलेंगे नहीं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको लाने का प्रयास करवाते हैं। देखिए कॉट का दसवां क्लास में आप याद कीजिए तो क्या होता है कॉस बाई साइन, इसको आप लिख सकते हैं ना कॉस बाई साइन, सेक स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये वन बाई टू तो बेचारा रहेगा, देखिए ए स्क्वायर से एगो तो एगो कट जाएगा, ठीक है, हम इसको सिंपल फॉर्म में लाने का आप लोगों को प्रयास करवा रहे हैं कि एगो से एगो तक कट जाएगा, तो बताइए ऊपर में क्या बचा, कुछ ना तो एक, और नीचा में एगो टू बचेगा, फिर आपको ये बचेगा साइन एक्स बाई टू, और फिर बचेगा आपका कॉस एक्स बाई टू। याद कीजिए दसवां क्लास नहीं एलेवंथ क्लास, किस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको याद दिला दे कि आपको एगो बताया गया था साइन थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस
थीटा बाई टू। क्या आप लोग को ये मेरा फॉर्मूला याद है? अगर याद होगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, 1/2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू के चलते क्या लिखेंगे, साइन थीटा, थीटा के मान x, और 1/ साइन क्या होता है बुआ सा, तो कॉसेक होता है, और यही आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए तो कुछ और उदाहरण के माध्यम से और एक फॉर्मूला को समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों का लास्ट जो क्वेश्चन इस पर फंसता है, अक्सर स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज करता है, इसके बारे में समझिए कि log ऑफ x अब बेस में 2 दे देगा। बेस में क्या दे देगा, 2 दे देगा, 7 दे देगा, 10 दे देगा, इस तरह से। ऐसे हम लोगों ने अभी यह बात जान लिया कि लॉगारिथमिक फंक्शन कौन सा पढ़ते हैं, तो नेचुरल पढ़ते हैं, जिसमें बेस में ई रहता है। लेकिन अगर ई के जगह ए आ जाए तो इसका फॉर्मूला अभी हम आपको बताए भी थे कि लॉग ऑफ एक्स अब बेस में अगर ए आ जाए तो पहले आप ऊपर में लिखिएगा लॉग एक्स ये वाला, और नीचे में लिख दीजिएगा लॉग ए। और ये बेस में नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना क्या है कि अब बेस में ई आ गया, ठीक है। और ई आ गया तभी उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बउआ से, याद रखिएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होगा जब इसके बेस में कय हो, ई हो। और अगर ई के अलावा कोई और चीज़ आपको दे दे तो जल्दी में आप मिस्टेक मत कीजिएगा कि 1/x लिख दीजिएगा। अगर बेस में नहीं दिए हुए तो समझना है कि ई है, लेकिन अगर ई के अलावा कोई चीज़ दूसरा दे दिया जाए तो आपको डायरेक्ट 1/x नहीं लिखना है। उसको कैसे बनाना है, तो इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए कि इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले कौन सा, गौर से देखिएगा। पहले सबसे पहले तो हम ऊपर में लिखेंगे लॉग एक्स, और बट्टा में क्या लिखेंगे, लॉग टू, और ये बेचारा डी बट्टा डी एक्स तो रहेगा। इस बात को फिर से समझिए, इसके अनुसार पहले तो लॉग ऑफ एक्स लिख देंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, लॉग ए। उसी तरह से देखिए तो लॉग ऑफ एक्स था, अब बेस में ई के जगह पर वो दू दे दिया, तो आपको पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि लॉग ऑफ एक्स अब बट्टा में लॉग टू। अब आप याद कीजिए लॉग टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ना, तो इसको आप बाहर कर लीजिए, तो एक बट्टा लॉग टू हो जाएगा बाहर, और बचेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि लॉग एक्स का, ठीक है। अब आप बताइए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आपको याद है, यहाँ पर कुछ न लिखा हुआ, इसका मतलब बेस में ई है। तो अब आप बताइए क्या लिखेंगे, ये 1/log 2 रहेगा, और लॉग एक्स का क्या होता है, तो 1/x होता है। इसका आंसर आएगा 1/x इंटू लॉग टू, और यही आपका आंसर आना चाहिए था। तो अगर आप लोग ये मेरा बात समझ गए हैं तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि log of x अब बेस में 7 है तो इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकंड का मौका। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो यूज़ करना ही होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो समझिए आपका गलत हो जाएगा। तो पहले आप एक लाइन बढ़ा लीजिए, इसको लिखिएगा डी बट्टा डी एक्स, अभी छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा पहले लॉग ऑफ एक्स, आप बट्टा में क्या लिखिएगा, लॉग ऑफ 7, यानी अब जो बेस में नहीं लिखे भी हुए तो क्या है, बेस में अब ई आ गया है, ठीक है। तो ये लॉग 7 तो कॉन्स्टेंट है ना बउआ सा, तो लॉग 7 तो बेचारा बाहर हो जाएगा, और किसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो आपको बता दें इस वाले लॉग एक्स का। अब आप याद कीजिए 1/ ये log 7 रहेगा ही रहेगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, यानी कि आपका आंसर आएगा 1/x इंटू लॉग 7, और ये रहा आप लोगों का आंसर। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए तो अंत में हम आप लोगों से एक और प्रश्न, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि log ऑफ x बेस में 10 होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए हम आपको मात्र देते हैं 10 सेकेंड का मौका। चलिए इसको भी हम आपको बता ही देते हैं, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स, और बट्टा में क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 10। क्या आप मेरा बात समझ रहे हैं ना। अब आपको करना क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लॉग 10 को बाहर कर लीजिए, और लॉग एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर लीजिए, तो 1/x होता है, और लॉग 10 तो बेचारा रहेगा ही रहेगा, यानी कि ये रहा आप लोगों का आंसर डायरेक्ट। आप लोग उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग 10 को बाहर कर लेंगे तो 1/log 10 बाहर, और लॉग एक्स बचेगा, लॉग एक्स का 1/x, ये रहा आप लोगों का आंसर। तो ये वाला टॉपिक आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा परीक्षा में, कि बेस में अगर ई है
या न लिखल है तैयो आप डायरेक्ट 1/x लिख दीजिएगा। लेकिन अगर ई के अलावा कोई बेस में आ जाए तो पहले आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तब जाकर आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हमने आपको पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया है और आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता दिए हैं। और अगर आप प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम एक वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ उसका प्रूफ करके बता सके। और अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोग इस सवाल का आंसर तो आसानी से कमेंट कर ही सकते हैं कि लॉग कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग इंटू कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। पहला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे कॉसेक एक्स, दूसरा ऑप्शन माइनस कॉसेक एक्स, तीसरा ऑप्शन कॉट एक्स और चौथा ऑप्शन माइनस कॉट एक्स। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें आप यह भी बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। क्या आप लोग को इसमें और कुछ सुझाव भी अगर आप लोगों को कुछ देना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। आपका सुझाव का हम इंतज़ार करेंगे। और नेक्स्ट का अंक को यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।